तो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इम्पोर्टेंट टिप्स हाउ टू लूज योर बेली फैट, यानी आप पेट की चर्बी कैसे कम करें। तो अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। गाइस, जो हमारा टिप नंबर 1 है वो है कैलोरी डेफिसिट, यानी आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। जो भी आपकी कैलोरी इनटेक है डेली की, उसमें से आपको 500 से 1000 कैलोरी कम करनी होगी, तभी जाके आपका वेट लॉस या फैट लॉस होगा। समझे आप मेरी बात। तो अगर आपको मैं बता दूं, जैसे आप डेली अपनी कैलोरी इनटेक ले रहे हैं 3000 के आसपास, तो आपको उसमें से 2000 करनी। कैलोरी डेफिसिट में ऐसा होता है कि आपको खाना कम है और वर्कआउट ज़्यादा करना है, वर्कआउट पर ज़्यादा ध्यान देना और खाना कम है। ये जो टिप है इसमें मसल बिल्डिंग के लिए आपको खाना ज़्यादा होता है, वर्कआउट पे थोड़ा कम ध्यान देना होता है, वर्कआउट आपका इतना नहीं होता। लेकिन फैट लॉस में ऐसा होता है कि आपको खाना कम है, कैलोरी डेफिसिट में जाना है, मगर आपका जो वर्कआउट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना, उस पर मतलब हाई इंटेंस आपको वर्कआउट करना। और अगर आपका वर्कआउट भी अच्छा है, आपकी रेस्ट भी अच्छी है, आप खा भी अच्छे, सप्लीमेंट भी आप सही ले रहे हैं, मगर आप अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो आपका फैट लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही होगा। टिप नंबर 2 है, वो है ऐड ग्रीन सैलेड। अपनी डाइट में सैलेड को ऐड करो गाइस। बहुत सारे लोग सैलेड को खाते तो हैं लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं खाते। मैं आज आपको बताऊंगा आपको सैलेड किस तरीके से खाना है। आप जब अपना लंच या डिनर में आप सैलेड खाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो कि खाना खाते टाइम अपनी जैसे मील ले रहे हो तो उसके साथ साथ आप सैलेड खाते हो, ऐसे नहीं करना है। जो आपको फैट लॉस में मदद करेगा, मैं बताता हूँ आज आपको कैसे खाना है। आपको सैलेड को सबसे पहले 2 टाइम ऐड करना है अपनी मील में, सबसे पहले लंच और डिनर में, वो भी 10 से 15 मिनट पहले आपको एक बाउल भर के सैलेड खाना है, एक बड़ा बाउल भर के आपको सैलेड खाना है। वो आपको उसमें आपको कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेंगे, ना आपको उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, ना कार्ब मिलेगा, ना फैट मिलेगा, लेकिन आपको उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसमें आपको विटामिंस, मिनरल्स और एंजाइम्स मिलेंगे, जो आपको बहुत हेल्प करता है, आपके स्टमक को बहुत हेल्प करेगा, आपको फूड को, जिसमें एंजाइम्स होते हैं आपके फूड को। और अगर 10 से 15 मिनट पहले आप जैसे सैलेड का बाउल एक भर के खा लोगे, तो आपको इतनी भूख नहीं लगेगी आगे आगे की, जितना आप खाना चाहते हो। जैसे ज़्यादा आपको भूख लगे तो उसमें आपको वो हेल्प करेगा कि आपको ज़्यादा नहीं खाने देगा, ठीक है। तो सैलेड का मेन फायदा यहाँ पे, तो फैट लॉस में सैलेड बहुत हेल्प करता है, तो इसको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना। तो गाइस, हमारी टिप नंबर 3 है, वो है सिर्फ कार्डियो पे ही फोकस नहीं करना है, वेट ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे जिम में जाते हैं तो डायरेक्ट अपना ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं, क्रॉस ट्रेनर पे चढ़ साइकिल पे चढ़ जाते, अपना कार्डियो करके वहां से चले जाते हैं और वेट ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थाइस को ट्रेन करना, बैक को, चेस्ट को, आर्म्स को, ये उतना ही हेल्प करते हैं जितना आप सोचते हो कि आप कार्डियो करके ही अपना फैट बर्न कर दोगे, ऐसा नहीं है, आपको वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देना ही। तो हमारा टिप नंबर 4 है, वो है ज़्यादा सप्लीमेंट के पीछे मत भागो, नेचुरल डाइट पे ध्यान दो, वर्कआउट करो अपना। बहुत सारे बिगेनर लेवल के जो लड़के हैं वो सीधा आते हैं और कहते हैं हमें फैट बर्नर दे दो, फैट कटर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हमारा फैट कम करा दो, कुछ ऐसा माल चला दो जिससे हमारा फैट कम करो। शॉर्टकट के पीछे कभी मत भागना, जितना आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान देना, जितना आपको नेचुरल से बेनिफिट मिलेगा उसको उतना आपको शॉर्टकट से कभी नहीं मिलेगा। तो सप्लीमेंट के पीछे मत भागो और अपना सबसे पहले वर्कआउट पे ध्यान दो, हाई इंटेंस वर्कआउट करो अपना, अपने क्लीन और प्रॉपर डाइट लो और रेस्ट पे ध्यान दो, सप्लीमेंट के पीछे। तो हमारे फिफ्थ एंड लास्ट टिप है, वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, जितना आप डिसिप्लिन में रहोगे ना, अपना वर्कआउट प्रॉपर टाइम टू टाइम करोगे, डेली करोगे और अपने डाइट प्रॉपर लोगे, क्लीन डाइट लोगे और अच्छी नींद लोगे आप, तो ये चीज़ें करना आपको बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है आपको। और दूसरी चीज़ है पेशेंस, पेशेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है, जितना आप पेशेंस रखोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट है। हर चीज़ शॉर्टकट से नहीं होती, ये मत सोच लेना कि ये चीज़ ले लूँगा मैं फैट बर्नर ले लूँगा, ये सब ले लूँगा तो मेरा फैट कम हो जाएगा, ऐसे नहीं है। जितना अपनी डाइट पर फोकस करोगे, वर्कआउट पर फोकस करोगे, क्लीन खाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है, ज़्यादा सप्लीमेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है।
सप्लीमेंट भी 10-15% काम करता है, वो भी तब करता है अगर आपका ये तीनों चीज़ अच्छी है, आपका वर्कआउट, डाइट और आपकी स्लीप अच्छी है, तभी वो सप्लीमेंट भी काम करता है। तो डिसिप्लिन में रहिए, पेशेंस रखिए, जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट। तो जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप दे के जाता हूँ, 3-4 लीटर पानी अपने ज़रूर पीना है हर दिन, 3-4 लीटर पानी इंक्रीज कर दो, जितना हो सके उतना पानी पियो। और अपनी डाइट में जो आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये पीते हैं, इनको कट कर दो, इसमें जितनी शुगर, सोडियम वगैरह जो भी होता है ना, ये आपके लिए बहुत बेकार है। जंक फूड अपनी डाइट से कट करो, जो ये आपकी पेप्सी, कोका कोला, लिमका वगैरह जो आप पीते हैं, ये बहुत कैलरी होती है इनमें, तो इनको पीना बंद करो। और जो आप रेड बुल, स्टिंग वगैरह पीते हो ना, तो सोचते हैं एनर्जी मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती, इसमें शुगर होती है टोटल, तो ये आपकी कैलरी और इंक्रीज करता है। तो प्लीज़ इन्हें अपनी डाइट से कट करो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा था, कमेंट करके बताना आपको कौन से न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।